और ये जो सुनने वाली महिला है उसका रिएक्ट करने का टाइमिंग इतना खराब, कब क्या रिएक्शन देना पता ही नहीं। तो ये इनको कहानी सुनानी बीच में बैठा, कहती अरे वो जो हमारे पड़ोसी है ना, हाँ अरे तू मुंह हटाना यार, दांत कितना बाहर निकला है, लिफ्ट में घुसता होगा दरवाजा तो बंद होता नहीं होगा, है सच बता गर्लफ्रेंड को कितनी बार घायल किया। सो हाय मायसेल्फ हरीश तिवारी। हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन में तो ट्रैवल किया ही होगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है तो ना, लेकिन स्लीपर का जो मज़ा है वो एसी में नहीं है, अलग ही दुनिया है वो। तो एक बार मैं कंफर्म टिकट लेके प्लेटफॉर्म में खड़ा ट्रेन का वेट कर रहा था, ट्रेन आई मैं चढ़ा, मेरे को लोअर बर्थ मिला था विंडो सीट, मैं सोचा मज़ा आएगा। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा मेरी सीट में अकेले 5 लोग और वैसे ही बगल में भी, तो मैं मेरी सीट में जो बैठा था बंदे को बोला कि भाई वो मेरी सीट है। हाँ भाई जाओ वहीं बैठ गया उसमें, मेरा कन्फर्म है। हाँ तो कन्फर्म है, टीटी को बताए हमको क्या बता रहे बताओ, हैं अरे बैठने को सीट मिल रहा है, एक बेवकूफ है जो खड़े हैं कन्फर्म लेके। तो अब देखो एक सीट कन्फर्म है, देखो लड़के का टेबल देख रहे हो, उधर बीजेपी को 105 सीट मिला, सरकार नहीं बना पा रहे बताओ, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा आदमी। और तो हम जो है मुंबई में अपने टाटा के यहाँ जा रहे हैं, रुकेंगे वहीं, देखेंगे किसकी सरकार बने, मज़ा आएगा। सच में टाटा का घर मतलब रिलेटिव है आप उनके? अब पिछले जन्म में मेंढक थे क्या, सुन ही नहीं रहे हो तुम, वो साले अभी कान में ठूकते तुम ना, चाचा के यहाँ जा रहे हैं समझ लो। तो अभी फिर मैं दिमाग खराब हो गया, मैं बैठ गया साइड लोवर में दो महिलाओं के बीच में, इनका भी कंफर्म टिकट नहीं है, जिस बंदे का यह सीट है वो ऊपर टंग आया है, ये दोनों ने बहाना मार के कि हम भैया चढ़ नहीं सकते ऊपर, आप चढ़ जाओ, ये नहीं कि नहीं नहीं हमको चुगली करनी है। अब ये चुगली करने में लगे हुए मैं बीच में बैठा हूँ और ये जो सुनने वाली महिला है उसका रिएक्ट करने का टाइमिंग इतना खराब, कब क्या रिएक्शन देना पता ही नहीं। तो ये इनको कहानी सुनानी बीच में बैठा, कहती अरे वो जो हमारे पड़ोसी है ना, हाँ अरे तू मुंह हटाना यार, दांत कितना बाहर निकला है, लिफ्ट में घुसता होगा दरवाजा तो बंद होता नहीं होगा, है सच बता गर्लफ्रेंड को कितनी बार घायल किया। हाँ तो हमारे जो पड़ोसी है ना वो लोग गए थे वैष्णो देवी घूमने, कार पलट गई, इसका रिएक्शन। अच्छा ओहो। और जो महिला जो पलटी, 2 दिन पहले उसने नया नेकलेस खरीदा था। हाँ क्या बात, हाँ मतलब इसके लिए 5 आदमी कुछ भी नहीं है, नेकलेस बड़ा। और फिर इस महिला ने पूरा अपना नेगेटिव स्टोरी इसको सुना दिया। अब इसकी बारी, तो ये इसको क्वेश्चन पूछ रही इसके बारे में लेकिन जवाब नहीं चाहती, जब भी जवाब आ रहा ये उधर कहीं बिजी, बेइज्जती कर रही बार बार। अच्छा अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, तो वो समोसा समोसा, अरे हाँ हाँ अच्छा अच्छा बड़ा वाला क्या करता है, चटनी दो ना भैया, चटनी देते हो नहीं इतने। ये बोलती भैया 2 बड़ा पाव और ठूस दो मैंने, बार बार बेइज्जती नहीं चाहिए। फिर ये चल ही रहा था तभी आते कुछ ऐसे लोग जिनका खुद का टिकट कंफर्म नहीं होता लेकिन ये उनसे इंक्वायरी करते हैं जिनका कंफर्म है। तो एक आदमी ऐसा आ गया मेरे पास, अच्छा आपकी सीट कौन सी है, मैं बोला है मेरा कंफर्म है उधर बैठे हुए। अच्छा कंफर्म है पक्का है, चेक करूँ मैं, दिखा दिखा दिखाओ यार जल्दी दिखाओ यार इसे। अच्छा ये ठीक है पकड़ो पकड़ो। मैं पूछा आपकी सीट कौन सी है, कितना, अरे यार मेरा तो जनरल, उसमें क्या मतलब उल्टा चोर तिवारी को डांटे। मैं बोला चप्पल फेंकूंगा गोबर में फिर उसी चप्पल से 4 थप्पड़ मारूंगा और ऊपर जो आदमी टंगाया हुआ है इन महिलाओं के चक्कर में वो बार बार पूछ रहा कौन से स्टेशन आया, बोले नागपुर, अरे यार मेरे को तो रायपुर उतरना था, मतलब जहाँ इसको उतरना था वहीं ये दोनों इसको टांग दिए। तभी मेरे को लगा कि यार चलो चाय पीते हैं, मूड खराब हो गया, थोड़ा फ्रेश करते हैं। मैं ना रेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भले टिकट करते समय ना 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो लेकिन ढंग से चाय पत्ती शक्कर तो डालो, मतलब इतना फीका होता है, इंसान मूड फ्रेश करने के लिए चाय पीता है, इसको पीने के बाद चेहरा बॉबी देओल जैसा हो जाता है कि ओहो मेरा दोस्त ट्रैवल करते समय कोई सामान भूले ना भूले, जेब में शक्कर रखना नहीं भूलता,
इतनी फीकी होती है चाय, आप जमीन पे फेंक दो, चींटियां भागती, अरे यार ट्रेन का चाय भागो। ये सब चल रहा है तभी कुछ लोग और चढ़ जाते हैं अगली स्टेशन में, और जिनका कंफर्म है टिकट उनका सामान कम होता है, जो लोकल चढ़े हैं जनरल टिकट लेके उनका सामान ज़्यादा। एक तो एक बंदा ऐसा आया, कहता भैया टांग थोड़ा फैलाना और बीच में ऐसा बैग घुसाना, कहता भैया थोड़ा एडजस्ट करो ना। साले एडजस्ट की बात अलग है, सर पे बैग कौन रखता है भाई। ऐसे लोग होते ना जिन लोग मुंबई जाते दो दिन के लिए, कैलिफेंटा घूमेंगे, ऐसा गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, सलमान शाहरुख अंबानी का बंगला देखेंगे, और जब पहुँचते हैं मुंबई लोकल में ऐसा सपट के भीड़ में चिपके हुए, बस यही सोच रहे हैं काश यार बस ये मुंबई से जान जिंदा निकल जाए। ये ऐसे लोग होते हैं जो लोकल में चढ़ते तो हैं मुंबई के, लेकिन उतरते नहीं है, फेंकाते हैं। और कुछ लोग तो फेंकाने के डर से नेक्स्ट स्टॉप में उतरना होता है सीधा उतरते हैं लास्ट चर्च गेट, कहते जिंदा बचे तो ओला करके वापस आ जाएंगे बहन। तो जो सामने बंदा बैठा है सामान घुसा के मेरे टांगों के बीच में, 10 मिनट बाद उसको लग जाती भूख, कहते भैया थोड़ा टांग फैलाना बैग में खाना रखा है। अब जैसे ही बैग ओपन किया, ओहो हो हो, दाल चावल, ऐसा लगता है ना मुंबई में खाना मिलता ही नहीं, दाल चावल प्याज ककड़ी गाजर साथ में चाकू भी, ऐसा लगता है ना अभी सीट के नीचे चूल्हा निकाल के बनाना स्टार्ट कर दे। और फिर इनको ना रात को जो मिलता नहीं है जगह सोने के लिए, तो बस ऐसा बीचों बीच बैग वैग ऐसा हटा के पेपर बिछा के किसी का भी जूता पाते हैं उसको तकिया बना लेते हैं, मेरा जूता बना लिए। मैं बोला भाई प्यूमा का है यार क्या करे, अच्छा पूर्मा का है, रायपुर वाला पूर्मा, अरे यार कहाँ है मेरा दोस्त मैं जानता। फिर बस और क्या, बाई करवट लेके जो फुसफुस रात भर, ओहो पूरी बोगी हॉट बॉक्स। तो फिर मैं जैसे तैसे अपनी सीट पे बैठा, विंडो सीट पे, अच्छा लगा थोड़ा सा। 2 मिनट हुआ था चार्जिंग पॉइंट में मोबाइल चार्ज करते हुए, ऊपर से भाई आपका हो गया होगा तो मेरा मेरा भी कर दो, साले मैगी नहीं बना रहा चार्जिंग कर रहा हूँ। नहीं भैया थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, वो वाला खाली उस पर छोड़ दे चार्ज करके। नहीं भैया वो गर्लफ्रेंड से बात करनी है ना साथ में, मतलब इसको चार्जिंग भी करनी है गर्लफ्रेंड से बात भी करनी है। ऐसे लोग की ना दो चीज़ फूटती है फ्यूचर में, एक तो किस्मत, दूसरा हाथ में मोबाइल। कहते भैया इमरजेंसी वीडियो कॉलिंग करनी, मैं बोला नेटवर्क तो है नहीं काहे का वीडियो कॉलिंग। नहीं भैया लास्ट टाइम वीडियो कॉलिंग जो रिकॉर्ड किया था ना वो वीडियो ही देखना है। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई लगा ले, मैं अपना निकाल लिया, इसने घुसा दिया। अब इसका केबल हो गया छोटा सा और ये है ऊपर, तो इसने मैं से एक रिक्वेस्ट किया मैंने मान लिया। कट टू मैं अपना हाथ ऐसे करके मोबाइल उसका पकड़ा था, वो ऐसे चैटिंग कर रहा, क्या क्या करना पड़ता है। फिर मैं ऐसे करे करे शांति से बैठा अपने विंडो सीट पे, तभी शुरू हो गई बारिश। मैं बोला यार अच्छी बात है थोड़ा तो मतलब ठंडा लगेगा, बाहर देखा धूप कोई गीला वीला कुछ नहीं। फिर मैं अपने टी शर्ट को देखा, ओहो सफ़ेद कपड़ों में जो लाल धब्बे थे, ऐसा लग रहा था ना टी शर्ट को माता ही है। तब समझ में आया इस बोगी में बहुत सारे इंद्रदेव बैठे हैं जो कलरफुल वर्षा कराते हैं, कभी रेड कभी कत्था कभी थोड़ा ग्रीन। मन करता है ना अगर हाथ लंबे होते ऐसा खिड़की से घुसा के सर को ठसा ठस मार के इमरजेंसी विंडो खोल के बाहर फेंकते पटरी पे, लेकिन लोग तब भी नहीं सुधरेंगे, पटरी में फेंका फेंका ऐसा बोला डुबा के श्री।